देखो भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मिस्टेक करता है, उससे लेसन्स लेता है और फिर सक्सेस हासिल करता है। एंड द सेकेंड वन वो इस लूज़र, मिस्टेक करता है, मायूस होता है और उसके बाद उस रास्ते को छोड़ देता है जहाँ पर उसको मायूसी मिल रही होती है। अब आपको खुद फैसला करना है कि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। नंबर वन, वो इस ऑप्टिमिस्टिक, मिस्टेक कर रहा है एंड टेकिंग लेसन फ्रॉम इट एंड इम्प्लीमेंट द राइट स्ट्रैटेजी एंड गेटिंग द सक्सेस। रादर द सेकेंड वन, जिसमें इंसान डीमोरलाइज हो गया और उसने अपने रास्ते को छोड़ दिया। मिस्टेक करने वाला ही हमेशा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि मिस्टेक करने के बाद उसे लेसन मिलता है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, विच इज थॉमस एडिसन। 99 दफ़ा उसने कोशिश की कि वो एक बल्ब बनाए, लेकिन बन ना पाया ड्यू टू सम इश्यूज। लेकिन 100वीं बार जब उसने बल्ब बनाया तो वो कामयाब हो गया। नंबर टू, जैकमा ने बड़ी कोशिश की कि वो पढ़ पाए, लेकिन ही वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, उसे कामयाबी नहीं मिली। उसने जितना भी पढ़ा उसके लिए नफ था। फिर उसने ट्राई किया हर चीज़ के लिए, हर जॉब के लिए, बट वॉज नॉट सक्सेसफुल। आर्मी, चाइना की आर्मी के लिए ट्राई किया, 20 लोग गए, 19 सेलेक्ट हुए, एक वो अकेला रह गया। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल जो कि हमें जैकमा देता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, डीमोरलाइज नहीं हुआ, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा अपने उस डेस्टिनेशन की तरफ जो वो चाहता था। और फिर उसने अलीबाबा बनाया। अलीबाबा इज़ वन ऑफ द रेनाउंड कंपनी एज फार एज ऑनलाइन शॉपिंग इज कंसर्न्ड, जिसने अब daraz.pk भी खरीद लिया, क्वाइट कर लिया उसको। लेकिन उसकी ये बात कहना कि मैंने सिर्फ अपने आप को स्मार्ट नहीं समझा, मेरे साथ जो सर्कल में लोग थे उनको भी स्मार्ट समझा, उनकी मेहनत और उनकी लगन से भी आज अलीबाबा का मालिक हुआ। कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए होती है फ्रॉम सम ऑफ द एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल पीपल जो आपके इर्द गिर्द हो, यही कामयाबी होती है। मिस्टेक करें, मिस्टेक करने में कोई बुराई नहीं है, मिस्टेक से सीखना ये ज़रूरी है। व्हेन यू आर नॉट टेकिंग लेसन फ्रॉम योर मिस्टेक्स देन यू आर एट द रॉन्ग साइड। आपको मिस्टेक से लेसन लेने चाहिए जब भी आप तरक्की करते हैं। तरक्की करने वाले बहुत से लोग हैं।